नमस्कार घरबैठक कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि मु आनी शतपथी। दर्शक बंधु आम जीवन को संतुलन करिवारे पंचतत्वर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही आसी। एही पंचतत्व माने हेले जल स्थल पृथ्वी अग्नि एवं आकाश। एही पंचतत्व माने आमर जीवन आमर जीविका एहा सहित आमर दैनंदिन जीवन चर्चा को प्रभावित करिथांती। तबे आयुर्वेद अनुसारे एक सुस्थ और निरोग जीवन अतिवाहित करने को आम को सर्वप्रथमे आमर रोसई घर आमर बाड़ी बगीचा एवं आमर चतुर्पार्श्व उपरे ही निर्भर करिबार आवश्यकता रही जहाद्वारा कि आम आम जीवन में संतुलन रक्षा करिपरिबा। ताहले आसंतु एही क्रमरे आज आम एक औषधीय वृक्ष संपर्क जानिबा से विषय विस्तृत भाव में वर्णना करने आज आम गहन उपस्थित अच्छा आमर डाक्टर डाक्टर शुभ दास सर कार्यक्रम को स्वागत करुछि। नमस्कार। नमस्कार सर। एथर सब दायित्व मु आपनको पूरा दे दिछि। अगरु मु ही आपनको पचारतली सर ए गच्छर औषधीय गुण कोन से गच्छर औषधीय गुण कोन आपन आज कोन तो आपन हमर दर्शक मानको को गच्छर कोन औषधीय गुण केमिति जणाइबे। हां आमे तो अनेक औषधीय गच्छ कहिलेनी आज्ञा आमे एटा को मध्य ध्यान रखुचे जो जो औषधीय वृक्ष आमे कहिबा ताहाकु लोक माने चिन्हितिबे एवं सहजता को आनी पारुथिबे आउ ताठारु गोटे विशेष कथा हला जे केमती सहजता को प्रस्तुत करिकरि निजर बड़ बड़ रोग को मध्य भलो करि पर आउ निज जीवन रे संतुलन मध्य रक्षा करि पर संतुलन मध्य रक्षा करि पर छै। तो एई क्रम रे आमे आज अरख कहिबा। अच्छा तो अरख गछर अनेक औषधीय गुण रहिछि एवं चमत्कार औषधीय गुण रहिछि जहाँ आज लोक मानक आमे कहिबा। तो कहिबा द्वारा कौन हम ना सेमानकर शारीरिक आर्थिक एवं मानसिक स्तर रे सेमाने सुस्थ एवं निरोग रहिबे। निहति भाव रे सर अरख फूल मध्य कोडना कोठी हमको भावनात्मक क्षेत्र रे मध्य सहाय्य करथे। प्रभु शिवशंकर को आम अरख फूल चढ़ाती प्रत्येक सोमवार दिन तेणु आम केवल भगवान पाखे समर्पण करने उद्देश्य ही अरख फूल को तोली था। आज आपण जानवाक चाहेबूजे अरख फूल को तोलवाई आम आउ कौन कौन सब प्रक्रिय व्यवहार करूँ कि पूर्वर जानवाक सर चाहिए जमी आम ओडे अरख फूल बोली कहते सेमती जो भाई भी मैंने बाहर अच्छा राज्य बाहर किस बाहर अच्छा से फूल को क्यों ना डाकबे। हाँ आकु आमे परिचय तो दबार आवश्यकता बोधे ना आम अनुभव करुचे। तो आमे कहीदबा जे आकु बंगला रे आमे मंदार बोली कह जाए था मंदार। हाँ आउ आमे उत्कल तो जानले आकु अरख बोली आमे कहिले एहाकु बंगला रे आकंद बोली कह जाए था। तेणुक यहीपर भाव में राज्य प्रकार भेद तार करा जाए ची, जे अन्य जगार जो मैंने अच्छा से जापर प्रकार भेद सर किंतु अलग हो पाए कि तार गुणवत्ता सब जगार सामान रही। जदि आम गुणवत्ता विषय आलोचना करवा यार कौन सब द्रव्य गुण रही। हाँ यहाँ उष्म बीज होता है यहाँ अग्निवर्धकारक होता है स्नायु संतुलता रक्षा कर तेणुक आम यही द्रव्य गुणयुक्त औषधटी शरीर अनेक क्षेत्र में कार्य कर आम आज से कौ कौ क्षेत्र में कार्य कर आम घर वैद्य मध्यम लोक मानक जनईदा निहाती भाव सर कितु तापूर्वर सर आप जानवाक चाहिए जे अरख फूल दुई प्रकार प्रायत देखा जाए गोटे हूँ धला अरख फूल आ गए टी हालाका। हाँ। पिंक पिंक कलर रे ब्लू ब्लू कलर र। हाँ। तो कौ अरख फूलटा आमपाई बेस उपादेयता रखी था बेसी तो श्वेत अरख रखी थाए कि तार मध्य विशेष गुण रही औषधीय क्षेत्र में तेणुक लोक जदि श्वेत न पाऊँ अंट आनी व्यवहार करेंगे। अज्ञा आउ गोटे कथ पूर्व जानवाक चाहिए जिते बारे में अरख फूल टी तोलवाक जाती आम बड़ गुरुजन व्यक्ति मैंने आमको मना करती क्षीर में विष अच्छी आखिरे लगाओनी पटी में लगाओनी तुम खराब हम यह पचर कौन सत्यता रही। हाँ निश्चिंत अरख रो रही पत्र को भांगा पर डेम्फटी भांगला जो निग्रत हुए तार रसटी से किसी मात्र विषाक्त गुण रही तार केमिकाल कंपाउंड ही सेमती। तो सहीटा तो आम एवं कहले आम पाखे समय हम ना तो लोक मान कहीदबा जे यही अरख गछ को नहीं आम अनेक प्रकार औषध या किंतु टिके सामान्यतम सावधानता अवलम्बन करार अच्छे आई कार्यक्रम मध्यम से लोक मानदे टी सचेतनता मानते अवलम्बन कर आम विभिन्न रोग रु मुक्ति पाई रोग विषय सर जो आलोचना करान जनित समस्या अनेक लोक मान पाखे देखा जाए आब तो जेहेतु बर्षा दिन चली समस्या आहरी अधिक वृद्धि पाई जाए तो यह समस्या मुक्ति पाई अरख गछर केउ अंश को किपर भाव केमिति व्यवहार करिबा। हाँ कर्ण रोग कथा जदि आसिबो मु मो चिकित्सा क्षेत्र रे एई औषधटी को अनेक लोक को देइछि एवं बहु
सफलता अच्छी ये औषधटीर तो गोटे सरल उपाय मुझे कही रखा चाहे जदि आपण कान बिंधा होंबा कानू पा दौक वर्ष धरी आपड़ यही समस्या पीड़ित अच्छा अनेक पैसा खर्च कले गोटे सरल उपाय आपण मानक मुझे कहवा चाहिए से सरल उपायटी होपण मैंने कौन करेंगे ना अरख गछ पाखक जी अरख गछ पाखे पाचिला अरख पत्र अर्थ जो पत्र छिंडा है माने निजे पाचिकी गछरु से झड़ी से पत्र टिके आपण गोटे आणतु जदि आपण घरे चूली रे रोसे होउची चूली साइड रे जो पखा रही चूली रे रोसे हेले जो दी साइड थाए से पत्र टिके सेथरे रखि दियंतु किंबा जदि आपण हीटर रे किंबा गैस रे रोसे होउची आपण मध्य ताकू साइड रे सेकि पारिबे तापरे कोन करिबे ना से दलटी उसुम हे जिवो पत्र टिके आपण आणी के हात धरि निजे दळी दियंतु देखिबे ताधरु उसुम उसुम किछि पाणी जातीय जिंस बाहरियो बा से पत्र रो रसटा बाहरियो आपण सेथरे हात मारिकि देखंतु जे से उसुम जिनसटा एते उसुम नाही जे से आपण कान प्रति किसी क्षति करैबो नख उसुम थिबो जेतिके आम कान सही पारिबो जेमिति घरे लोक माने अनेक समय तेल पकांती कान रे तो नख उसुम जहाकु कहंती थिबो ताकु आपण दुई रु तीन बुंदा आपणकर पूज दउथिबा कान रे पकेई दियंतु एवं ताकु टिके सफा करि नियंतु किसी समय पर आउ पुणी पांच दिन पर आउ गोटे पत्र आणतु ताकु सेंती उसुम करिकि दळिकि कान रे पकांतु प्रति पांच दिन रे एक थर तीन थर करिबे पांच दिन पुणी आउ पांच दिन परे पुणी आउ पांच दिन परे एही परी पद्धति रे आपण करंतु देखिबे चमत्कार भावरे आपणंकर कान पाचिबा रोगटी दूर हो जिवो किंतु एथरे किछि मानिबार विधि रहिछि जे आपण बेसी ढाळी गाधेबे नै वर्षारे ओदा हेबे नै फ्यान पवन देकरी बेसी पवन माडरे आपण सोइबे नै एती कथा मानंतु देखिबे पुरुणारु पुरुणा कान जनित समस्या मध्ये आपणक दूर होइ जे 15 दिन रो ई प्रक्रिया को आपण माने मन दर्शक माने निहाति भाबरे मानिकि चलिबा आवश्यकता रहिछि एटा सर समस्तंगु आमी व्यवहार करबा को देई परिबा समस्तंगु व्यवहार करबा को देई परिबा किंतु 15 दिन ने तीन थर हबो हमरो माने 5 दिन ने गोटिए थर कर्ण रोग सर जमी एक साधारण समस्या ठीक से भाई एक साधारण समस्या जहाँ विषय में सब वे आलोचना कर प्रत्येक अध्याय आलोचना करण जनित समस्या जहाँ को लेकिन समस्त चिंतार अच्छा तेज अरख गच्छ को व्यवहार कर आम व्रण जनित कौन समस्या मुक्ति पाई कि आम ये कहते कि अरख क्षीर में विष अच्छी किंतु आमे केमिति ताकु व्रण जनित समस्या रे व्यवहार करि परिबा एवं व्रण रु मुक्ति पाई परिबा आसंतु जानिबा कोन करिबा ना अरख क्षीर नै आसंतु गोटे प्लेट धेरे तुला टिके नै आसंतु ताकु भिजै दियंतु एवं आपनकर जो जगह रे व्रण होईछि से जगह रे आपण ताकु धीरे धीरे लगै दियंतु किंतु एठी आपनकु कोन सावधान अवलंबन करबाकु पड़िबो ना ताहा जेंति छिटकी के आपनकर आखिरे न पड़े एवं पार्टी भितर न पड़े जेहेतु विषाक्त मागुरु आगुरु कहिचे तेंकर आपण लगेला बेले केवल एतिकी सावधानता अवलंबन करिवे आउ जदि जो व्रणटी मध्य हार्ड हो जाइछि बा अनेक दिन धरि पाचू नाही सेरा बहुत गेटा बळे हो जाइछि ताकु मध्य आपण धारावाहिक भाव में 10-15 दिन लगातु देखिबे से व्रण व्रणटी मध्य पाचिकी फाटिकी पूज बाहरि जीव आपणकु आराम लागिवो व्रणरु सिना सर आमे मुक्ति पाई जीवा किंतु व्रण पोरे अनेक किसी कला दाग आम मुहरें रही जाए व्रण पाई हो किंबा अन्य कौन सी भी कारण अच्छी से आम मुहरें अनेक किसी कला दाग रहे जहाँ को लेकिन आम बहुत चिंतार रुहती आम मुह टी असुंदर देखाईगला से ही क्षेत्र में अरख गच्छर केऊं अंश को आम किपर व्यवहार करवा हाँ आम समस्ते जाणीचे जे हलदीर विशेष उपकारिता रही सौंदर्य पाई आम आम पीढ़ी पर पीढ़ी हलदी उपर सब निर्भर जे केमती सौंदर्य मुख्य प्रसाधन सामग्री कहले अत्युक्ति हेबना तो आम कौन करना से हलदी को नवा प्रथम तो 5-10 खंड हलदी आप चिकन कर बाटिदबंध बाटी सारापर कौन करेंगे ना 10 ml अरख क्षीर ताधर भलक मिसई दिंतु मिसई सारिक टिके मिसई दियंतु से अरख क्षीर मिसई देले एवं आपण जो जगार कला दाग होई से पेस्ट को से जगह लगे कि 2 घंटा छाड़ी दियंतु 2 घंटा पर आपण भल भाव मुह धोई दियंतु देखिबे व्रण जनित समस्त प्रकार कला दाग आपण मुहरु धीरे धीरे लिभि जिवो केते दिन पर्यंत सर करिवक पड़िबो ए प्रक्रिया 15-20 दिन करंतु आउ एलर्जी जनित कला दाग मध्य ए पद्धति द्वारा कमी जाई परे यदि सनबर्न होइतिबो से भी पळे जिवो से भी पळेबो अच्छा लोक माने मन रखंतु 5-10 खंड हळदी ता सहित अरख खीरा
उपकार निश्चिंत पाइबे। निहाती भाबरे सर हमर सौंदर्य को नेके हम सबले बहुत चिंता रे रहंते आ विशेष करी कोला दाग सनबर्न एलर्जी जहा आपण कहिले आ समस्ते बहुत चिंतित थांदी जे केमिति दाग जीव से बहुत कॉस्मेटिक मध्ये यूज करंती बडे सहज सरल प्रक्रिया निहाती भाबरे हमर दर्शक माने याको अवलंबन करिवे। परवर्ती रोग विषय रे सर जदी आलोचना करबा ताहा मध्ये गोटे साधारण रोग जहा कि पिला मानक क्षेत्र रे बहु मात्रा रे देखा जाय ताहा होची कुर्मी रोग। कुर्मी रोगरु रक्षा पाइबा पई अरख गछर केउं अंश को किपरि भाबरे आमे व्यवहार करिबा। कुर्मी जनित समस्या छुआ ठारु नैकरि बड़ पर्यंत समस्त एथरे पीड़ित होंती तो आमे गोटे एमती औषध बतैबा जहा को छुआ मध्य खाई पारिबे बड़ माने मध्य व्यवहार करि पारिबे। कोन करिबा पाखा पाखी 2 केजी घिओ आपण नै जानतु गुआ घिओ गुआ घिओ 2 केजी 2 केजी अच्छा ताको गोटे लुहा कड़ै रे बसै दियंतु तो तापर कोन करंतु ना सज अरख पत्र नहीं आसिकी ताधेरे से गरम हो गला घीटा ताधेरे पकई दिंतु ताको किसी समय छाड़ी दिंतु ताको काढ़ी दिंतु पुणी आ गोटे पत्र पकातु एमती आपण 20-30 पत्र को ताधेरे पकेबा ना गोटे पकेले से टिके देखिले ताधेरे जरीगला भाया है सिद्ध हो गला ताको काढ़ी दिंतु पुणी आ गोटे पकातु यहीपर भाव में 20-30 पत्र आपण पकईकि से घीटा को पाक करूँ जेतबेळे एहा 20-30 पत्र आपणकर हेगला से घीटी को ओल्हेकि आपण छाणिकी गोटे डबारे बंद कर रखंतु ध्यान रखिबे डबाटी काच हेथिले बहुत भल तापरे कौन करिबे ना छुआ मानंकु खाइबा समय रे घी को रुटी किंबा भात सांगरे मिसाई कि दियंतु किछि दिन परे आपण देखिबे जे पिलार मळद्वार मुह दे कुर्मी गुडा को बाहरी जाइचंती एवं पिलाटी निरोग हे जाइछि। यहाँ सर समस्त अवलंबन करेंगे कि जो बड़ व्यक्ति मान रही कुर्मी जनित समस्या से माने मध्य प्रक्रिया को व्यवहार करें मुझे कहली छुआ ठू बड़ जाए समस्त व्यवहार करें आउ गोटे कथा मुझे कही रखे जो मान कफ जनित समस्या अच्छी कफ रोग से आप घीटी को खातु यह एक अमोघ औषध अच्छा यहाँ कुर्मी तो कमे सहित आपंकर कफ जनित समस्या दूर कर तेज सर आउ गोटे साधारण रोग हूँ ज्वर टिके पगरे परिवर्तन हैला किंबा हमर कोनोसी जिनसर अनियमितता देखा गला ताले हमको ज्वर काश ठंडा हो जाए थे से क्षेत्र में अरख गच्छ को हम व्यवहार कर परिबा। हाँ आपण कौन करिबे ना अरख पत्र रस एवं ता सहित महु सम परिमाण आपण जदि गोटे चामच अरख पत्र रस नौचंती ता देरे महु एक चामच मिसाई दियंतु ताकु भलो भाबरे फेंटी देकि दिनकु गोटे थर खाली पेटरे उषुम पानी सहित व्यवहार करंतु देखिबे आपणकर रोगटी जरटी 4-5 दिन भितर छाडी जीव 4-5 दिन पर्यंत हमको नियमित दिनकु थरे ए प्रक्रिया को करबाकु पडिबो दुई थर भी व्यवहार करि परिबा। अच्छा ए प्रक्रिया को सर समस्ते करि परिबे समस्ते करि परिबे किंतु छोटो पिला को जदि हम सटी तांको खाय पेटी कष्ट कर कष्ट हबो तेन करे आमे अन्य पद्धति मध्ये बहुत जरूर पई कहिचे तो छोटो पिला मानको से पद्धति दिया जाउ किंतु सर जो स्नायु शक्ति जनित समस्या रहिछि हमर स्नायुविक समस्या आजिकल दिन त बेसी मात्रा रे मध्ये देखा जाउछि वृद्धि पाइछि ए समस्या टी धीरे धीरे तो एथि पई ई अरख गचर कोनोसी अशोक में व्यवहार करि परिबो। हाँ स्नायुजनित समस्या धरतु पारालीसीस लोकटी हो गला कि गोटे साइड रे दुर्बलता हो गला गोड़ हो कि हाथ हो तो से जगार आम तेलर लोक मैंने बहुत पैसा खर्च करते तो आज आम ये स्नायु दुर्बलता अरख को लेकिन एक सुंदर तैल मु कह लोक मान को जोटा से मैंने निज घर व्यवहार करेंगे तो आम जो पद्धति कहते आगुरु तो कुर्मी कि काश पाई से पद्धति से करेंगे कितु सामान्यतम किसी उपकरण परिवर्तन अच्छी से पद्धति करेंगे कितु घी जगार आपण राशि तेल किंवा सोरिष तेल नि राशि तेल एवं सोरिष तेल 2 केजी ता सहित 40-50 अरख पत्र ताकु भलो भाबरे आमे फुटे दबा से जेमती आगो प्रक्रिया टी थिला सेमती गोटिए गोटिए हम पकेबा किंतु आमे एका संगरे पकेबा नै 1 मिनिट पर्यंत गोटिए पत्र को पकेकरी आमे राशि तेल किंबा सोरिष तेल जहा भी आपण नैचंत ता देर फुटांतु एमती 40-50 पत्र आपण 1 मिनिट लेखा ता देर सिद्ध करंतु तापर से तेल टिके छाणी रखंतु जो जगार आपणकर स्नायु दुर्बल होती आप अनुभव करुँचे तैलटी को मालस करूँ देखिए चमत्कार परिवर्तन आपण अनुभव करिवे एवं स्नायुटू धीरे 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 आपणकर पूर्व अवस्था को फेरी आसो आपण पुणी चलनक्षम हो पारे। आज्ञा
तेबे सर वर्तमान आपण पाखक अनेक रोगी माने मध्य आसुथिबे जो मानकर मुख्य समस्या थिबो थंडा ज्वर काश आउ सर्दी जेहेतु एबे सीजन ने बहुत अनियमितता देखा जाउची आमर जलवायु रे बहुत किछि परिवर्तन होउची हठात खरा होउची हठात बहुत जोरे वर्षा हो जाउची तापर दिन बहुत जोरे खरा हो जाउची जादर कि आमर शरीर सही अनुसार ताको एडजस्ट करि पारु नाही तो एही रोगरु मुक्ति पाइबा पई अरख गछ को आमे कि परिभावरे व्यवहार करिबा बा केमिति व्यवहार करिबा मुँ मध्य ए जो करोनार समय चली आधे मध्य अनेक लोक ये जिनसटी करपकारी आम कौन करवा आप लिखतु सर्दी हो कि काश हो कफ जमा हो आप अरख फुल 250 ग्राम जेकोसी धला फुल हो भल भाव आग सुखे दिंतु सुखरी आप गुंड कर दिंतु तो 250 ग्राम अरख फुलर गुंड आपगले तो 250 ग्राम अरख फुल गुंड रे आपण 250 ग्राम गोलमरीच गुंड मिसाई दिंतु आकु भल भाव डबारे आपण बंद करके रखंतु सेथिर गोटिए चामच पाउडर नियंतु ताकु उषुम पानी सहित आपण व्यवहार करंतु किंतु मने रखिबे कोन ना 4-5 दिन गैप रे बा व्यवधान रे आपण थरुटी ए औषध को खाइबे आज खाइले 4-5 दिन थरे थरे खाइबे आज खाइले पुणी 4-5 दिन छाड़ी देले तापर आ गोटे थर खाइले एमती आपण 7 थर करिबे ता माने गोटे मास पर खाइबे गोटे मास खाइबे किंतु सेटा 4-5 दिन गैप रे गोटी गोटी थर खाइबे उसुम पानी सहित आ एटा सर केते बेले खाइबे सकाळे खाइबे एटा को सकाळे खांतु किंबा संध्या रे खांतु जो समय रे लोक मानकर सुविधा हबा आपण खांतु किंतु आकु 4-5 दिन रे गोटी थर ही व्यवहार करिबे सब दिन आपण मानकु व्यवहार करिबे नै आ सर छोटो पिला मानक पाखरे जो सर्दी ज्वर थंडा काश बेसी मात्रा रे देखा जाय से माने याकु व्यवहार करि परिबे एटा व्यवहार करि परिबे किंतु आरो परिमाण ता आमे कमाई दे परिबा आ गर्भवती महिला माने से मानक पाखरे गर्भवती महिला को दबा नै जेहेतु अरखटा रहू छै आमे मना करियो गर्भवती महिला तेनु जेते बले गर्भवती महिला मानक आमे कोनोसी औषध दउ छथि निजे प्रस्तुत करि कि टिके सतर्कता अवलंबन करिबा आ सेत टिके ज्ञान नै कि आमे दबा उचित निहाति भाबरे तबे सर एही समय रे पिला माने बाहर रे बहुत खेलंती बाड़ी बगीचा रे बुलंती वयस्क लोक माने मध्यम बुल ए समय बहुत किसी छोट बड़ अघटन घटी था सहित छोट छोट पोक कामुड़ी दे था से क्षेत्र में से विष प्रक्रिया को कम करने अरख गचर कौन से अंश को आम व्यवहार कर पारिबा आम ओडिया प्रोभर्ब अच्छी जे गोटे कथा कि कंटा को कंटार पढ़ा जाए तेणुक आम जेहेतु शुणी आसीचे अरख क्षीर में विष अच्छी आम यही जगह कम लगेदे विष कुछ विष काट तो आम कौन करवा ना अरख पत्र टे भांगी दिंतु तार जो क्षीरटी बाहर ला जो जगार आपण को विषाक्त कीटटी दंशन करी कामुड़ी से स्थान आपको लगे दिंतु देखिए धीरे धीरे विष मुक्त भी होदि आप जगह दरस फुला कि आपको कष्ट सी धीरे धीरे अपसर जीव आप पूर्व अवस्था को फेरी आसे ए सर प्रक्रिया समस्त पाखर प्रजुज्य होते करि परिबा को किछ असुविधा नाही किंतु जदि आगुरु केबे अरख खीर आपण हाथ कि पाद कोठी लागिले आपण देखिछन नानलाले हि फळी जाय किबा कुंडे हि जाय आपण से स्थान रे बा से व्यक्ति टा को व्यवहार न करिबा भलो जो मनकर टिक एलर्जी जनित समस्या रहितिबो समस्या थिबो अरख खीर नै किरि अच्छा तबे चर्म रोग पय जने व्यक्ति कि परि भाबरे एही अरख गछर के अंश को व्यवहार करिबो आमे जेंति गोटे तैल कहिले मालस करिबा पय कि तो सेमती चर्म रोग हेले लोक माने अनेक प्रकार ऑइंटमेंट आने के व्यवहार करती तो से ऑइंटमेंट व्यवहार न करी आपण निजे गोटे घरे ऑइंटमेंट प्रस्तुत करंतु एवं ताको व्यवहार करंतु कौन करिबा आपण ना अरख पत्र रस को भल कपड़ा देहरे गोटे भिजेई दिंतु ताको नियारे पोड़ी अंगार कर दिंतु बा भस्म कर दिंतु से भस्मटी को आपण गोटे डबारे बंद कर रखि दिंतु से कपड़ा रो भस्मटा को अरख पत्र रस धेरे बुढ़ा होगा कपड़ाटी ताकू आम भस्म कर गोटे डबार बंद करदे कौन कले ना टी सोरीष तेल देहर ताकू भलक मिसई दिंतु आपन को जी आवश्यकता अच्छी पेस्ट भाया हो अधिका जगह अच्छे अधिका पेस्ट बनइबे आप जगह कम अच्छे कम पेस्ट बनइबे तो आपण रोग केते बाट एलर्जीटा मारी डिपेंड करुच्चे आपड़ा अइंटमेंट बनइबे तो ताकू कौन कले ना अइंटमेंट बनकर जो जगह आप समस्या अच्छे आप लगे दिंतु देखिए धीरे धीरे आपण चर्म रोग दूर हो स्थान चिन्ह आप दूर हो बहुत बढ़िया कथा टे सर कहले अनेक समय चर्मजनित समस्या आम मानते देखा जाए आम बाहर अइंटमेंट किणिकवहार करूँ गोटे सहज सरल प्रक्रिया घरे आम चाहिए प्रस्तुत करके उपशम पाई
ଆପଣ ଆମକୁ ଅରଖ ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା, ଏହାର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। दर्शक बंधु जपरि भाव में कही रखी आरंभर जे आम जीवन में संतुलन आवश्यकता रही। आम संतुलन से जापर जितेबाला आम मानसिक स्तर एवं शारीरिक स्तर में सुस्थ रहा आई आमको विशेष मात्र अरख गच यही अरख गच को आपण मैंने निजर जीवन में अंतर्भुक्त करूँ निजर जीवन को संतुलित रखु। समय हो सुस्थ रुंतु निरोग रुंतु विदाय दिंतु। नमस्कार। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।